थिंग. मैं अभी हॉलीडे पे थी गोवा में एंड वहाँ रैंडम पे बीच पे भी बच्चे मुझे खुशी दीदी बोल रहे थे. एंड आई थिंक एक्टर की सबसे बड़ी अचीवमेंट तब होती है जब आपके कैरेक्टर नाम से आपको बुलाया जाता है. सो आई फील रियली रियली हैप्पी. परिणीति साथ ही, क्योंकि जब गोलमाल अगेन बन रही थी तभी हमने रोहित सर से जाना था कि यार गोलमाल 5 भी आएगी, तो उन्होंने बोला था जी. अब कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली अनाउंस भी कर दिया जी. जी, जी जानना चाहेंगे क्या परिणीति वापसी समय गोलमाल. मैं आपको रोहित सर का नंबर देती हूँ, आप उनको फोन करो और उनसे पूछो. बट आई थिंक गोलमाल का यूएसपी है उनके 5 लड़के. वो 5 लड़के हमेशा कॉन्स्टेंट होते हैं एंड स्टोरी के हिसाब से लड़कियां आती हैं या दूसरे कैरेक्टर्स आते हैं, तो वो गोलमाल 5 की स्टोरी पे डिपेंड करेगा. अर्जुन कपूर की, संजीव और पिंकी फरार की फर्स्ट लुक आ चुकी है जी. बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है. सोल्जर का रोल निभा है जी. क्या कहना चाहिए? सोल्जर, पुलिस ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर आई थिंक बहुत सेक्सी लग रहा है. मुझे तो लगता है आई थिंक यूनिफॉर्म में अर्जुन बहुत अच्छा लगता है. एंड सून जब पृथ्वीश डिसाइड करेगा तब मेरी भी सेकंड लुक आउट होगी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. बहुत नई लुक है, बहुत नई फिल्म है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू ऑल द लुक होपफुली 2-3 दिनों में. क्योंकि परिणीति आपने अभी बोला थी इसके बाद आप फिर अर्जुन के साथ फिल्म करने वाली है, फिर अर्जुन के साथ आप. कितना लकी है वो सोचो. बहुत लकी है. लेकिन आज का शेड्यूल कितना हेक्टिक होने वाला है क्योंकि कंटिन्यूअस जी. बट ऑब्वियसली ऐसे ही होना चाहिए यार. एक्टर्स के लिए बैक टू बैक फिल्म करना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है. सो आई एम वेरी हैप्पी. आई डोंट वॉन्ट देम टू मिस द 4th सीजन. ओके एनी वे वी हैव टू फिनिश द इंटरवल. आप लोग वापस जाके फिल्म देखो. आई डोंट वॉन्ट देम टू मिस द मूवी प्लीज. हाँ इफ द इंटरवल इज ओवर लेट देम गो. लेट देम गो. गो गो कम. मैं इंटरवल के बाद. चलो हो जाए. चलो ये धंधे का लगा कर चुके हैं. सिर्फ हमारी टीम में हम लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं. बट यस एक होने वाली है होपफुली आफ्टर 200 करोड़. कल सेकंड है. हाँ करेक्ट. क्या क्वेश्चन है? शाहरुख खान जी का बर्थडे है जी. इसमें क्वेश्चन क्या है? आई हैव टू विश हिम. आई विल विश हिम ऑन एस एम एस. एक्चुअली एक हफ्ते में शूट शुरू हो रहा है. आज वेंसडे है तो 5 दिनों में ट्यूसडे सैटरडे या संडे को हम लोग दिल्ली के लिए निकल जाएंगे. एंड दिल्ली के बाद वी आर शूटिंग इन द हिल्स नियर द इंडो नेपाल बॉर्डर. तो बहुत हेक्टिक शूट है. लेकिन ऑब्वियसली अर्जुन और मैंने पहले भी एक बहुत इंटेंस फिल्म करी है साथ में. सो कंफर्ट लेवल है. सो वी आर वेरी एक्साइटेड. हम लोग रोज प्रेपरेशंस कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं एंड अब वी आर रेडी फॉर आर शूट. क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है गोलमाल अगेन के लिए? वो मैंने उससे मान सकती हूँ. सेम ये तो गोलमाल अगेन की टी शर्ट है. नींबू मैंने तो बैठ के नहीं बनाई है. क्यों स्क्रिप्ट राइटर्स क्या कर रहे थे? स्क्रिप्ट राइटर ने आई थिंक बहुत स्ट्रांग स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत अमेजिंग कॉमेडी लिखी है. जोक्स लोगों को बहुत मजा आ रहा है. मैं कई लोगों को जानती हूँ जो 2-3 बार फिल्म देख चुके हैं और मैं भी जितनी बार देखूँ मुझे उतनी हंसी आती है. सो आई थिंक इट्स रियली द कॉमेडी इज रियली वर्किंग.
ये जो भूत का एंगल है, जो मैं भूत हूँ और वो जो एंगल है जो जो लड़के जिससे डर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत फनी है. सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज वर्किंग. संदीप और पिंकी खत्म करने के बाद अर्जुन और मैं थोड़ा सा प्रेप करेंगे और जो हमारा दूसरा थोड़ा सा काम है वो कंप्लीट करके वी विल स्टार्ट द शूट इमीडिएटली. चलो, थैंक यू.